नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक विटोरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में टॉपिक सेलेक्ट किया है, हम बात करेंगे व्हाट इज ए ट्रांजिस्टर। जी हाँ, ट्रांजिस्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो क्या होती है, क्या काम करती है, इसके टाइप्स और इसके सिम्बॉल्स बारे थोड़ा समझेंगे। कोई आपसे बेसिक पूछ लेता है कि ट्रांजिस्टर बताइए डेफिनेशन क्या होती है, छोटा सा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए थ्योरेटिकल, वो हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। छोटा सा मैंने उसका डेफिनेशन ऑलरेडी लिख लिया है, उसको हम समझते हैं फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, वैसे तो आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहते हैं उनमें आपने देखा वो ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, ये एक प्रकार की थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है जिसमें बेस एमिटर कलेक्टर रहता है। लेकिन किस तरीके से यूज होता है, काफी होता है, छोटी सी डेफिनेशन के फॉर्म में इसको बोलना है तो किस तरीके से आप बोलेंगे, या एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट या डेफिनेशन लिखना हो तो किस तरीके लिखेंगे, उसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल सेमी कंडक्टर डिवाइस। जो ट्रांजिस्टर रहता है एक प्रकार का थ्री टर्मिनल सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है, दैट इज यूज फॉर द स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए सिग्नल। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का थ्री टर्मिनल डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल रहता है उसको स्विचिंग या एम्प्लीफिकेशन करने में यूज होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं हमें करंट एंड वोल्ट, ठीक है। या इसको दूसरी तरह से बोले तो ट्रांजिस्टर इज ए स्विचिंग डिवाइस विच रेगुलेट एंड एम्प्लीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज एंड करंट। कहने मतलब वोल्टेज या करंट हो सकता है, उसको एम्प्लीफिकेशन या रेगुलेट करने में हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। इट हैज थ्री टर्मिनल, ठीक है, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। अच्छा, उन तीन टर्मिनल्स के भी नाम होते हैं, आपको बताना, कोई पूछे कि तीनों टर्मिनल होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, तो सेंटर वाला हमेशा बेस रहता है, इसके बाद एक एमिटर कलेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट हैज थ्री टर्मिनल, नेमली एमिटर बेस एंड कलेक्टर, ओके, थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। दूसरी बात ये बोला कि इस किस टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम, आर्सेनिक से जनरली बना होता है ट्रांजिस्टर। क्या होता है, SI और GE, जर्मेनियम और गैलेनियम आर्सेनिक। तो जनरली जो यूज होता है वो सिलिकॉन का अधिकतर यूज होता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योरली सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है। वैसे तीन मटेरियल सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलेनियम GE AS का रासायनिक सूत्र। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर का इसमें हम बनाने में यूज करते हैं। और आगे बोल रहे थे सर, ये दो प्रकार दो PN जंक्शन डायोड्स को बैक टू बैक मतलब लेयर का कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर के जनरली लोग बोल देते हैं कि सर PNP और NPN दो टाइप के होते हैं, तो उनसे ये पूछे सर फिर MOSFET क्या होता है, FET क्या होता है, तो आपको शॉर्ट में ये नहीं बताना है। हाँ, PNP और NPN टाइप तो होते हैं, लेकिन उस वो किस तरह से टाइप होते हैं वो यहाँ मैंने थोड़ा सा लिखा है कि ट्रांजिस्टर के अंदर पहले तो आएगा BJT और फिर आएगा FET। ट्रांजिस्टर दो कैटेगरी में बांटा गया है, BJT एंड FET, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब BJT के अंदर दो टाइप्स को फिर कैटेगराइज किया गया, BJT के अंदर आते हैं NPN और PNPN जिनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो BJT के अंदर दो आ गए, इसके बाद FET के अंदर फिर दो टाइप्स रहते हैं, वो होते हैं JFET एंड MOSFET। MOSFET जनरली आपने देखो एम्पलीफायर जो रहता है, हमारी मशीन रहती है जो उसमें साउंड हम एम्पलीफिकेशन करते हैं, उसमें जनरली MOSFET का यूज़ किया था आपने देखा। इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े बड़े जो कंपोनेंट रहते हैं, बड़े बड़े जो सर्किट रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहते हैं, जनरली MOSFET का यूज़ करते हैं। तो FET के अंदर JFET एंड MOSFET, JFET फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और MOSFET होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट डिवाइस, ठीक है। ये हो गया, आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताना है। इसके बाद इसके सिंबल्स, अब जनरली सिंबल तो सभी के JFET, MOSFET, NPN, PNP ये सभी के अलग-अलग सिंबल्स होते हैं, लेकिन फिलहाल में NPN और PNP के सिंबल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए। तो आप देखें सिंपली आपको गोल घेरा बनाया, उसमें हमने इस टाइप टर्मिनल बना दिए जिसमें सेंटर वाला हमेशा बेस रहेगा। एक्चुअली ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है, क्या कम कर देते हैं, ठीक है, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे क्या है, इसके सिंबल मैंने स्ट्राइप ड्राई किए NPN और PNP की इसमें, लेकिन सिंबल तो हर कोई बना लेगा, याद करने का तरीका क्या है कि कन्फ्यूजन होते हैं कि यह NPN है या PNPN है, उसके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक तो आपको बताऊंगा अभी। तो हमेशा इस टाइप का बनाएं आप, इसमें एक रहता है, इसमें एरो डिफाइन करेगा अमीटर को हमेशा, और विदाउट एरो का कलेक्टर रहेगा, और इसके बाद सेंटर हमेशा बेस रहेगा। हमने बताया तीन टर्मिनल डिवाइस होती है, सेंटर वाला हमेशा बेस रहता है, ठीक है। बेस, अमीटर, कलेक्टर, तीनों टर्मिनल रहते हैं, NPN हो या
या PNPN हो, ठीक है। तो यहाँ पे NPN और PNP में हम कैटेगराइज कैसे करें, तो आप हमेशा याद रखना है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो NPN जैसे ये NPN है, तो यहाँ पे ये जो है कलेक्टर, यहाँ पे N बन जाएगा, ये P बन जाएगा बेस, और ये N बन जाएगा, ठीक है, NPN हो गया। कहने का मतलब इस एरो से आप समझें, हमेशा आप अपना लॉजिक लगाएं कि जो सप्लाई होती है वो कैसे प्रो होगी आपको, ये यू मान लीजिए हम प्लस से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो जिधर एरो हो वो नेगेटिव होगा, कहने का मतलब एमीटर की तरफ यहाँ पे एरो है तो ये एन हो गया, तो एन हो गया, तो उससे पहले आएगा पी और फिर एना NPN हो गया। इसमें देखें ये क्या है, PNP है, PNP टाइप है, तो एरो जिधर हो वो एन होगा, एरो बेस की तरफ है तो हमारा ये हो जाएगा PNP टाइप ट्रांजिस्टर, एरो उधर है तो NPN टाइप ट्रांजिस्टर। इस तरीके से आपको सिंबल बनाना है NPN और PNP टाइप के जो ट्रांजिस्टर है। ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं NPN और PNP टाइप ट्रांजिस्टर, टिक की सिलेक्ट कीजिए, ABC चार ऑप्शंस दे दिए, तो उसमें से आपको इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। छोटा सा एक समरी था कि व्हाट इज इट ट्रांजिस्टर, ये क्या होता है, इसके टाइप्स और इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज से रिलेटेड वीडियो थी। वैसे डीपली तो काफ़ी ज़्यादा एक घंटे दो घंटे लग सकते हैं पूरा डीपली ट्रांजिस्टर पढ़े तो, लेकिन हमारा प्रयास है शॉर्ट में छोटे छोटे आपको समराइज करके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में ये सीरीज हमने स्टार्ट की, उसके चलते ट्रांजिस्टर को समझना जरूरी था, तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। फिर भी कोई डाउट है क्वेरी कमेंट कर पूछ सकते हैं, और इस प्रकार की शॉर्ट डेफिनेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली इसी प्रकार की नॉलेजेबल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।